भोजपुरी फिल्म बिन तेरे ओ साथी रे को लेकर निर्देशक गोपाल पांडे ने बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में वैसे तो कोई वल्गर सीन नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग रखा गया है ताकि दर्शकों का मनोरंजन कर सके। वहीं अपनी बातचीत में गोपाल पांडे ने कहा कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर अभी इसलिए लॉन्च नहीं किया है क्योंकि अगर ट्रेलर पहले रिलीज किया जाएगा तो दर्शक इस फिल्म को लेकर उतने उतावले नहीं रहेंगे जितना वो अभी हैं। ये कंप्लीट लव स्टोरी फिल्म है और भोजपुरी संगीत बहुत समृद्ध संगीत है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत खूबसूरत म्यूज़िक के साथ एक लव स्टोरी बनाई जाए और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और बहुत समय के अंतराल में इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्म आ रही है भोजपुरी में, इसका दर्शकों को स्वागत करना चाहिए ताकि एक्चुअल में जो फिल्म मेकर हैं वो भोजपुरी फिल्म में आ सके। 10 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, ट्रेलर अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, क्या कारण? ऐसा नहीं है, 10 फरवरी को फिल्म हमारा रिलीज़ तो होगा और ट्रेलर हम लोगों ने ये सोचा था कि बहुत पहले से यदि कोई चीज़ हम पेश कर देंगे तो धीरे धीरे दर्शक उसको भूलने लगते हैं, इंतज़ार की जो समय होता है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ चीज़ों को हार्ड एंड फास्ट करना चाहिए। हमारा ट्रेलर एक दो दिन में भी लॉन्च हो जाएगा और आप लोग देखेंगे। आपने इस फिल्म को गाने के लिए किस तरह के गाने हैं, लव रोमांस के गाने हैं, बॉलीवुड तड़का है क्या? मैंने इसमें सभी तरह के गीतों को देने का प्रयास किया है, जैसे हमने इसमें एक आइटम सॉन्ग भी रखा है जैसा आजकल के जैसे गीत चल रहे हैं, और रोमांटिक सॉन्ग भी हमने रखा है। उदित जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से उस गीत को गाया है, गज़ल है इसमें। और जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुरी का संगीत बहुत समृद्ध है, वो संगीत इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।